अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल आप सबके बच्चों। बच्चों आज जो हमारा टॉपिक वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमने एक फार्मूला देखा था मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर, जो n है, n था उसके अंदर, मतलब ये वाला n, इसकी वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बहुत आसान सा ये ट्रिक आपने याद रख लेनी है। वैसे वो शुरू वाली क्लास में वैसे याद किया हुआ है, ये कोई कॉमन नंबर होता है, लेकिन इसकी मैं आज आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ। छोटी सी वीडियो होगी एक दो मिनट की, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लें। बच्चों हमारे पास जो एन है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले इसका जो फार्मूला है वो ये है, एन इज इक्वल टू ऊपर होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, जब हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाती है, लेट इट सपोज मेरे पास है बेंजीन। क्या है बेंजीन? इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या सी एच है, क्या है सी एच। इसके अंदर जो हमने एन फाइंड आउट करना है ना, मीन जो हमने सिक्स निकाला हुआ है, ये सिक्स कैसे आएगा, ये प्रूफ कैसे होगा। ठीक है, अब बच्चों हमने सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास क्या करना है फाइंड आउट करना है, क्या करना है मॉलिक्यूलर मास। अब ध्यान से कार्बन कितनी है, सिक्स है, कार्बन का 12 होता है प्लस हाइड्रोजन 6 है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हमारे पास ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 72 क्या हो जाएगा 72 और ये प्लस 6, तो हमारे पास ये बच्चों आ गया 78 आ गया। ठीक, अब हमने क्या करना है एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या करना है फाइंड आउट करना है। इसका एम्पिरिकल ये था, ठीक है, वो मैं निकालता हूँ। कार्बन के 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हमारे पास ये 13 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है इस फार्मूला के अंदर इसको क्या करना है पुट कर देना है। अब हमारे पास ऊपर क्या था मॉलिक्यूलर मास, हमने कितना फाइंड आउट किया 78 वो हमने ऊपर रखने, और नीचे था एम्पिरिकल फार्मूला मास वो हमने 13 निकाला है। इसको हम करेंगे 13 1 13 एंड 13 6 78, तो हमारे पास एन क्या आ गया 6 आ गया। तो इसको हम कुछ इस तरह मेंशन करेंगे इस फार्मूला को, जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है बेंजीन का है, तो ये क्या है एन हमारे पास क्या आ गया 6 है, और इसके जो इंपीरियल फार्मूला वो क्या है ये सी एच है, और ये हमारे पास C6 और H6। इस तरह आप बच्चों क्या कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का क्या कर सकते हैं, उसमें जो नंबर ऑफ एन है वैल्यू ऑफ एन आप क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।